बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज फिर एक नई रेसिपी के साथ, बहुत क्विक टी टाइम आइटम के साथ आज मैं आई हूँ। आज बनने जा रहा है टूटी फ्रूटी टी केक। और इसमें एक मज़ेदार सी बात यह है, वो लोग खुश हो जाएं आज जिनके पास हैंड बीटर नहीं है। आज हम इसको बनाएंगे ब्लेंडर के जग में और बहुत क्विक है, टाइम टेकिंग भी नहीं है। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने आप विद इन 30 मिनट्स जो है वो बना के सर्व कर सकते हैं। तो मार्केट से एक्सपेंसिव लाने की बजाय हम लोग घर में बनाते हैं इसे। अंडे हैं मेरे पास 3, मैदा है मेरे पास 3/4 कप यानी 6 टेबल स्पून, चीनी है मेरे पास 3/4 कप यानी 6 टेबल स्पून, 1/2 कप जो है वो मेरे पास गर्म दूध है, ये है टूटी फ्रूटी यानी अशर्फी, ये है मेरे पास 1/2 कप, इसे मैंने छोटे चंक्स में कट किया हुआ है, और यहाँ पे है मेरे पास ऑयल 3/4 कप, और ये है बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून हीप्ड, येलो फूड कलर है मेरे पास एज रिक्वायर्ड, देखूंगी मुझे कितना रिक्वायर्ड है, और वनीला एसेंस। ये टोटल चीज़ें हैं जो आपके टी केक में जाएंगी। तो बहुत क्विक है और आपको ज़्यादा जो है वो बेकिंग में ये होता है कि बहुत ज़्यादा मेजरमेंट का आपको खासा ख्याल रखना पड़ता है, तो इस केक में कुछ ऐसी बात नहीं है, आपको मैं बहुत क्विक बताऊँगी। और वो वाले बिगनर्स जो पहली दफ़ा जो है वो केक्स और ये चीज़ें बना रहे होते हैं, उनके लिए बहुत आइडियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वियर, सबसे पहले मैंने मैदे को और बेकिंग पाउडर जो है इसको मैं छान लूंगी, ये देखें, और ये है आपका बेकिंग पाउडर, इसको मैंने छान लेना है। इससे ये होता है केक हमारा बहुत अच्छे से राइस हो जाएगा। ये देखें, मैदे में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, देखें अगर आपको नज़र आए, ये चीज़ जो है वो बेकिंग में बहुत मस्ट है कि आप अच्छे तरीके से इसे छान लें। ये देखिए, ये हमारा मैदा जो है ये छन गया, 1 स्टेप ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं ब्लेंडर में डालूंगी चीनी, ये 3/4 कप थी, मैंने बिल्कुल पीसा नहीं है और ये बिल्कुल नॉर्मल शुगर है, ठीक है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, ये आ गया आपका कुकिंग ऑयल। इसको मैंने इतनी देर ब्लेंड करना है कि चीनी के जो है वो बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, और ऑयल और चीनी का जो टेक्सचर है वो एक क्रीमी सा आ जाए। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। वेयर्स, यहाँ पे देखें चीनी और जो ऑयल है ये देखिए कैसे ब्लेंड हो गया है, ये देखें कैसे इसका क्रीमी सा जो है ये टेक्सचर बन गया है, यानी चीनी जो है वो बिल्कुल इसमें बारीक ग्राइंड हो चुकी है। अब इसमें मैंने डालना है एक अंडा। वेयर्स, अब मैं यहाँ पे ये एक अंडा जो है मैं ऐड करूँगी। व्यूअर्स, अंडे को आपने 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली आपने इसे बीट करना है, एकदम से सारे अंडे नहीं डालने, एक एक करके डालेंगे और इसी तरह हम ग्रेजुअली जो है हम इसे ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसमें मैं दूसरा अंडा भी शामिल कर रही हूँ। व्यूअर्स देखें, एक बहुत आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये देखें कितना स्मूथ सा इसका जो है वो एक मिक्सचर बन गया है। अब ये जो आखिरी अंडा था इसको भी डाल के जो है हम बीट करेंगे, इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट तक बीट करना है, और साथ ही इसके शामिल कर देंगे वनीला एसेंस। पहले हम इसे बीट करेंगे अच्छा सा। देखिए ब्लेंड हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स हैं, और ये है मेरे पास थोड़ा सा जर्दे का येलो रंग साथ ही डालने हैं, और इसे हमने करना है अच्छा सा ब्लेंड एक बार फिर, ताकि ये अच्छे से जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कंबाइन हो जाए।
व्यूअर्स यहाँ पे देखें, ये ऐसा स्मूथ सा जो है इसका एक फ्लोई सा जो है वो बैटर बन चुका है। अब हमने करना ये है कि इसे जो मैदा और जो बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे छाना था उसमें डाल के मैं करूँगी इसे मिक्स। थोड़ा थोड़ा डाल के कीजिएगा, ये देखें इसे मैं कर रही हूँ मिक्स। येलो फूड कलर से इसका जो कलर है ये बहुत ही प्रोफेशनल आता है, जैसा आप मार्केट में खा रहे होते हैं। यूजुअली अगर हम कलर ना डालें तो वो लाइम से कलर का आपका केक बनेगा, ये लाइट येलो केक बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखें कि मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ पे जो मेरे पास टूटी फ्रूटी के चंक्स थे वो मैंने ऐड नहीं किए। एक टिप देना चाहूँगी उसके साथ कि जब हम लोग बना रहे होते हैं या कुछ भी हम ड्राई फ्रूट हम ऐड करते हैं तो वो बेस में बैठ जाता है, तो इसकी एक छोटी सी टिप मैं आपको बताऊँगी जब मैं डालूँगी। फिलहाल इसको मैंने इतना मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे, ये देखें। और इस स्टेज पे अगर आपका जो है ये बैटर बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है तो आप दूध की हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है नीम गर्म दूध है वो आप डाल के बैटर को फ्लोई सा कर लें। ये बचा हुआ बैटर भी जो है मैं ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा सख्त मत कीजिएगा, इससे आपका जो केक है वो बहुत सख्त बनेगा, केक में वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी। ये आपका जो है ये स्मूथ सा जो है आपका बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने करना ये है व्यर्स, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें मैं जो हूँ दूध जो है मैं ऐड कर रही हूँ। दूध से ये होगा आपका केक जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। और ये देखिए बहुत फ्लोई सा जो है इसका टेक्सचर है, जितना आपका ये सॉफ्ट आपका जो है ये बैटर होगा उतना ही आपका मजे का केक बनेगा। व्यर्स ये देखें, ये है मेरे पास टूटी फ्रूटी और ये है मेरे पास मैदा। ये मैं डालूंगी इसमें 2 टीस्पून मैदा है तकरीबन, ये मैं डाल देती हूँ। इससे ये होगा कि जब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें अब मैं डालूंगी ये जो मेरे पास टूटी फ्रूटी थी ये मैं इसमें डालूंगी। थोड़ी सी मैंने बचानी है कि मैं थोड़ी सी ऊपर डाल दूँ, बस ये देखें इसे मैंने किया मैं। मेरे पास ये मोल्ड है, इसमें मैंने हल्का सा डालना है ऑयल। पेपर मैं पहले लगा चुकी थी, अच्छा सा हमने ऑयल को जो है वो फैला लेना है अपने मोल्ड में। ये ख्याल रखिएगा कि टूटी फूटी जो है वो एक जगह ना जाए, आपने इवनली जो है इसको अपने पो करना है, ये देखिए जी। अब यहाँ पे जो कुछ टूटी फ्रूटी थी ये जो है मैं डाल रही हूँ ताकि जब हम केक कट करें तो उसके ऊपर भी ये अच्छी सी डेकोरेट हुई भी, ताकि पता लगे कि इसमें टूटी फ्रूटी जो है वो ऐड है। मैदा डालने का मकसद यही है कि टूटी फ्रूटी आपकी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। ये देखें जनाब, ये आ गई आपकी टूटी फूटी। ओके, इसे बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। अगर आपके पास ओवन है तो गैस मार्क 3 पे आप 360 डिग्री पे आप इसे 25 मिनट्स तक बेक करेंगे तो आपका केक बिल्कुल डन हो जाएगा। और प्रेशर कुकर को मैंने प्री हीट किया हुआ है 15 मिनट पहले, उसमें बस मैंने एक डेक्ची का स्टैंड रखा था और मैंने जो है उसका लिड लगा के जो है वो 15 मिनट्स तक इसे मैंने प्री हीट किया। अब मैं इसे डालूंगी और फिर इसे मैं 25 मिनट्स बाद देखूंगी। किया हुआ था प्री हीट, बस मैंने अब इसमें ये अपना मोल्ड जो है मैं डाल के इसे कवर अप करूंगी 25 मिनट्स के लिए, उसके बाद देखेंगे इसका क्या रिजल्ट है। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे केक जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है और इस पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। बस अब मैं इसे निकालूंगी, उसके बाद मैं इसे ठंडा करूंगी, उसके बाद मैं डिश आउट करूंगी। व्यूअर्स टी केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखें ये जो इसके टूटी फ्रूटी थे ये भी ऊपर है और बस इसके मैं स्लाइसेस काटूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है।
व्यूअर्स देखें, यहाँ पे मैं जो हूँ ये स्लाइसेस कट कर रही हूँ। आप देखें अंदर से कितना सॉफ्ट है, और ये देखिए इसके मैंने बस इस तरह से जो है ये स्लाइसेस काट रही हूँ। और मैं आपको ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना मज़ेदार। और इसी तरह से मैं इसके स्लाइसेस जो हैं वो कट कर लेती हूँ। व्यूअर्स यहाँ पे देखें टी केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एक पीस, ये देखें कितना मज़ेदार और कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी केक जो है ये आपका रेडी हुआ है। ये देखें कितना मज़ेदार है ये केक, और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।